हरियाणा में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात का दौर जारी है और आज भी 16 जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। पिछले 9 घंटों में रिकॉर्ड 38.9 mm बरसात दर्ज की गई है, जो सामान्य से 764% अधिक है। इससे प्रदेश की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में भारी बरसात होने की चेतावनी दी है। पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात से यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज का जलस्तर 2 लाख क्यूसिक के पार पहुंच चुका है। ऐसे में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 163 गांव को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। सोम नदी का जलस्तर 14,200 क्यूसिक के पार पहुंच चुका है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो होने और सरस्वती नदी के तटबंध टूटने से 30 गांवों की 10,000 एकड़ से ज्यादा फसल डूब चुकी है। पंचकुला के कौशल्या डैम में भी देर रात 4,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। हरियाणा में बरसात का अलर्ट देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए जा चुके हैं। अंबाला, यमुनानगर में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, फतेहाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी में सिर्फ आज स्कूल बंद रहने के स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। हरियाणा में अत्यधिक बरसात को देखते हुए अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर 152 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अंबाला से लुधियाना जाने वाले नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह लोगों को दी गई है। हरियाणा में अब तक मानसूनी बरसात से 3 लोगों की बिजली गिरने से और 1 व्यक्ति की डूबने से मौत होने का समाचार भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हथनी कुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा चुका है। वहां 3 लाख क्यूसिक पानी पर अलर्ट हो जाता है। आगे भी अगर बरसात आती है या पहाड़ से पानी आता है तो हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। वहीं आपको बता दें कि जिला करनाल के करण विहार में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। हादसे में महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले प्रेमनगर में बरसात से एक मकान की छत भी ढह गई थी, जिसमें 2 बच्चे घायल होने का समाचार मिला था। वहीं बात हरियाणा की जिला कैथल की करें तो मूसलाधार बरसात के कारण शहरों और गलियों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। लोगों के घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में पानी घुसने से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कैथल में भी बरसात के चलते लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मौसम विभाग को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, किसी भी आमजन को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।